गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू SST चैप्टर फिफ्थ वर्ड मीनिंग. चैप्टर्स नेम कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ऑफ इंडिया. कोस्टल रीजन समुद्र तटीय क्षेत्र एंड आइलैंड. आइलैंड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, जिसको कि टापू बोलते हैं. वर्ड मीनिंग पढ़ना आपको. वर्ड मीनिंग कोस्टल रिलेटेड टू कोस्ट. आइलैंड अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. डिवीजन सेपरेशन नैरो स्मॉल विड्थ. स्ट्रेच एक्सटेंड विस्तार. स्ट्रेप अलॉन्ग नैरो पीस. इंक्लूड्स कंप्राइज. इनहेबिट टू लिव इन अ प्लेस. वोल्केनो अ कॉनिकल हिल व्हिच इमिट्स फायर एंड लावा. एक तिकोना हिल्स जिससे कि आग और लावा निकलता है. कॉन्स्टिट्यूट टू मेकअप बनाना होता है. ये ट्रेडर्स है TRA. ये रेड कलर का है डी. TRADERS ट्रेडर्स. टी नहीं, बीच में TRA. ये जो टी दिख रहा है टी नहीं है, TRADERS ट्रेडर्स. ट्रेडर्स मीन्स बिजनेस मैन. फोक. फोक मीन्स होता है पीपल इन जनरल, सामान्य लोग. टूरिस्ट वन हु मेक अ टूर, यात्री. बीचेज सी शोर, समुद्र का किनारा. अट्रैक्ट टू काज समबडी टू लाइक, आकर्षित करना. रिसेप गेट. ऑक्यूपेशन ट्रेड, व्यवसाय. कड़ावाम द ड्राइड सीड्स, जिसको इलायची बोलते हैं. अबंडेंस इन प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में. सैंक्चुअरी अ सेकर्ड प्लेस, अभ्यारण. कन्वर्ज टू टेंड टू मीट इन अ पॉइंट, एक बिंदु पर मिलना. कई दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलना होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्ज. डेस्टिनेशन ए प्लेस वेयर समबडी इज गोइंग, जिसको कि लक्ष्य बोल सकते हैं. स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर फिफ्थ कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन समुद्र तटीय क्षेत्र एंड आइलैंड ऑफ इंडिया. आइलैंड पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, जिसे टापू भी बोल सकते हैं. कोस्टल प्लेन समुद्र तटीय मैदान एंड देयर डिवीजन, और उसका डिवीजन पार्टीशन बंटवारा. इंडिया हैज 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन में समुद्र तट रेखा. विच इंक्लूड, जो ये लंबाई दिया है कोस्ट लाइन की, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या शामिल है. कोस्टल प्लेन्स, जो कोस्टल प्लेन्स हैं समुद्र तट के जो मैदान हैं वो. एंड द कोस्टल, एंड द कोस्ट ऑफ टू आइलैंड ग्रुप, और जो दो आइलैंड के ग्रुप हैं इंडिया के, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, इसके भी जो समुद्र के तट हैं उसकी लंबाई इसमें इंक्लूड है. टू द वेस्ट वी हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिम में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है. एंड टू द ईस्ट वी हैव द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और पूरब में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है. दे आर सेपरेटेड, वे दूसरे एक दूसरे से अलग हैं.
separated from each other by Deccan Plateau, but meet at कन्याकुमारी. लेकिन फिर से वो कन्याकुमारी में दोनों प्लेन्स मिलते हैं. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कवर्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड अबाउट 65 किलोमीटर इन विथ. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक बहुत पतले भूभाग को कवर करता है, घेरता है, जिसकी चौड़ाई 65 किलोमीटर है. इट इज सिचुएटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी. यह वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच में सिचुएटेड है, स्थित है. इट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ. ये गुजरात से शुरू होता है, इन द नॉर्थ, नॉर्थ में. पासेस थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड एंड्स इन कन्याकुमारी. और कन्याकुमारी में इसका एंड्स होता है. इन द साउथ द विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट डिक्रीज प्लेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो चौड़ाई है नॉर्थ से साउथ की तरफ डिक्रीज होती है, घटती जाती है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डिवाइडेड मीन्स बांटा जाता है इंटू थ्री इम्पॉर्टेंट पार्ट, तीन मुख्य भागों में. फर्स्ट है गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इन द मिडल एंड द मालाबार कोस्ट इन द साउथ. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिफर्स टू अ वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा है. लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, जो कि ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के बीच में पड़ता है. इट इंक्लूड्स डेल्टा वेस्ट बंगाल. इसमें वेस्ट बंगाल का जो डेल्टा वाला पार्ट है वो भी शामिल है. उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु कोस्ट. द एवरेज विद ऑफ दिस प्लेन इज 120 किलोमीटर. इसकी एवरेज चौड़ाई जो है 120 किलोमीटर है. इट हैज़ टू ब्रॉड डिवीजन. इसके दो विस्तृत पार्टीशन हैं. द नॉर्दर्न पार्ट, जो उत्तरी पार्ट है, इज नोन एज द नॉर्दर्न सरकार, व्हाइल द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट. आइलैंड. आइलैंड मीन्स टापू होता है. एन आइलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. आइलैंड जो होता है चारों तरफ से पानी से घिरा होता है. देयर आर टू बिग आइलैंड ग्रुप इन इंडिया. इंडिया में दो बड़े आइलैंड के ग्रुप हैं. दे आर, उनका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये ग्रुप है. इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है. एंड द लक्षद्वीप आइलैंड, और एक ग्रुप है लक्षद्वीप इन द अरबियन सी, अरब सागर में जो है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ 325 आइलैंड. जो अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है ये ग्रुप है 325 आइलैंड का. विच कैन बी डिवाइडेड, जिसको कि डिवाइड किया जा सकता है इनटू टू मेन आइलैंड ग्रुप, जिसको कि दो मेन आइलैंड ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. द अंडमान आइलैंड टू द नॉर्थ एंड द निकोबार आइलैंड टू द साउथ. दीज आइलैंड आर वन ऑफ द यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया. ये आइलैंड जो है यूनियन टेरेटरीज है इंडिया की. सम आइलैंड इन द ग्रुप ऑफ, सम आइलैंड इन द ग्रुप, ग्रुप में कुछ आइलैंड जो हैं
आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, मतलब उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, जो अंडमान और निकोबार में कुछ आइलैंड हैं जिसकी की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। दे आर कवर्ड, वो ढके रहते हैं, मतलब वे आइलैंड ढके रहते हैं विद थिक फॉरेस्ट, घने जंगल से। एंड ओनली सम आइलैंड आर इनहैबिटेटेड, और कुछ ही आइलैंड हैं जहाँ पर कि लोग बसे हुए हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड, लक्षद्वीप में 36 आइलैंड इंक्लूड हैं, शामिल हैं। कवरिंग एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, जिसकी एरिया है 32 वर्ग किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर। दे आर फ्लैट, और ये जो आइलैंड है, आइलैंड का ग्रुप है लक्षद्वीप, ये फ्लैट है, मतलब चपटा है, मतलब प्लेन है। एंड सैंडी, बालू युक्त है। दीज आइलैंड आर नोन एज कोरल आइलैंड, इसको कोरल आइलैंड के नाम से भी हम जानते हैं। तो कोरल क्या होता है, इसको जान लीजिए पहले। कोरल, कोरल्स जो होता है, कोरल डिपॉजिट, देखें कोरल डिपॉजिट्स, सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ सी, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो कि डिपॉजिट इकट्ठा रहता है एट द बॉटम ऑफ सी, समुद्र के पेदी में, मतलब नीचे, जो किसका बना होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम बोन्स, फॉर्म्ड फ्रॉम बोन्स ऑफ वेरी स्मॉल क्रिएचर, जो कि बहुत छोटे छोटे जंतुओं के या तो जानवरों के, बहुत छोटे छोटे जीवों की हड्डियों से बना होता है, उस जीव को क्या कहते हैं, कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स नाम के जीव होते हैं जिसकी संख्या बहुत होती है, कई करोड़ों में होती है, उसी की हड्डियों से ये बना होता है, ये आइलैंड उसी की हड्डियों से बना है, इसीलिए इसको कोरल आइलैंड कहते हैं। बिकॉज दे आर फार्म्ड फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स, जो बात अभी बताया हूँ कि ये कोरल पॉलिप्स की हड्डियों से बना है, इसीलिए इसको कोरल आइलैंड बोलते हैं। कोकोनट इज द मेन क्रॉप, कोकोनट जो है यहाँ का मेन क्रॉप है, मुख्य फसल है ऑफ दिस रीजन। एंड फिशिंग इज द मेन इंडस्ट्री, और यहाँ का मेन इंडस्ट्री फिशिंग है। ओनली 11 ऑफ दीज 36 आइलैंड, इस 36 आइलैंड में से केवल 11 आइलैंड आर इनहैबिटेटेड, बसे हुए हैं, मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं केवल 11 में। एंड सॉरी द पीपल ऑफ दीज आइलैंड, इस आइलैंड के लोग स्पीक जेसेरी एंड माल लैंग्वेज,